हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अहमद्स मम्मा। और आज मैंने बनाया है चॉकलेट केक, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और हम इसे पैन पे बनाएंगे और पैन से ही सर्व कर देंगे, तो कोई झंझट भी नहीं है, सिंपल रेसिपी है। चलिए अब हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, और पैन लिया है मैंने मीडियम बेस का, ना ज़्यादा हैवी है और ना ही ज़्यादा लाइट है। तो इस पैन में हम डालेंगे 5 टेबल स्पून भरकर ऑयल, लगभग हमारा ये 125 ml है। और अगर आप कप से लोगे तो आप लगभग आधा कप ले लीजिएगा। और ये मैंने आपको दिखाया है टेबल स्पून और टीस्पून, जो मैंने मेज़रमेंट्स लिए हैं वो इन्हीं स्पून से लिए हैं आगे। तो ये देखिए, मैंने ऑयल को चारों तरफ इस तरह से स्प्रेड कर दिया है। और मैंने बटर नहीं लिया है, क्योंकि बटर मेरा सॉल्टेड था अवेलेबल मेरे पास जो था। तो अगर आपका अनसॉल्टेड बटर है तो आप बटर भी ले सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर, जो कि अनस्वीटेंड है। तो ये देखिए, मैंने 3 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर ऐड करा है, और इसे मैं मिक्स कर दूंगी स्पून से। तो आप विस्क से भी कर सकते हो, मेरा नॉनस्टिक पैन था ख़राब ना, इसलिए मैंने नॉनस्टिक लैडर ले लिया है। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे शुगर। तो शुगर मैंने ली है 1/2 कप, लगभग हमारी 100 ग्राम है। और अगर आप चाहो तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो और कम भी ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो केक के बैटर को मैं बार बार जो मिक्स कर रही हूँ वो कट फोल्ड मेथड से कर रही हूँ, हल्का सा घुमा के, और बीच में से इस तरह से लाइन दे देनी है। और ये देखिए, मैंने एक एग इसमें ऐड कर दिया है, और एग को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एग डालने से हमारा जो केक है वो सॉफ्ट और स्पंजी बनेगा, अच्छा बनेगा। और ये देखिए, मैंने इस तरह से राउंड करके बीच में से इस तरह से कट कर देते हैं। तो ये कट फोल्ड मेथड से अच्छे से हमारा जब बेक होता है ना केक, तो वो अच्छे से फूल जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। देखिए, यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लिया है और इसे छान लिया है, ताकि इसमें कोई बबल्स ना आए। और अच्छी तरह से अभी मैंने मिक्स नहीं करा है। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालूंगी 1/2 टीस्पून। तो 1/2 टीस्पून हमको बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर इक्वली डाल देना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस का। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध, लगभग 200 ml। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे आपको मिक्स करना है, लगभग इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। किसी भी तरह की गांठ या कोई भी जो लम्स होते हैं वो नहीं रहने चाहिए केक के अंदर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से रनी आपका बैटर होना चाहिए केक का। और अच्छी तरह से आप लैडल से इसको साफ कर लो। ये देखिए, मैं इस तरह से साफ कर रही हूँ पूरा। और अगर आपका जो पैन है वो हल्का है, तो आप नीचे तवा लगा सकते हो, और आप मीडियम फ्लेम पे इसे बेक करना, जब आप अगर तवा लगा रहे हो तो। मैंने खाली पैन रखा है, तो मैं इसे लो फ्लेम पे पका रही हूँ। देखिए, मैंने इसे ढक दिया है, और ढक के मैंने इसे 12 मिनट के लिए रख दिया है। तो देखिए, 12 मिनट बाद मैंने इसे चेक करा है, और स्टिक डाल के मैंने चेक करा है, तो ये गीला है, यानी कि अभी हम 5 मिनट के लिए इसे ढक के और रख देते हैं लो फ्लेम पर। और ये देखिए, मैं चेक कर रही हूँ स्टिक से, और ये देखिए केक जो है वो आ रहा है, लग के अब गीला नहीं है, तो इट मीन्स ये डन है। तो आप इसे साइड करके रख देंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, 5 से 6 मिनट, जब तक ये ठंडा होकर थोड़ा साइड्स छोड़ नहीं देता है। तो ये देखिए, इसने साइड्स छोड़ दी हैं। तो मैं इसे स्पून से अलग से निकाल रही हूँ। इस पैचुला को इस तरह से मैंने नीचे से घुमाया है, ताकि जो, और आपको बहुत ही आराम से करना है, यानी कि आप फ़ौरन ही चूल्हे से हटा के फ़ौरन निकालना स्टार्ट कर दें,
तो लगभग 5 से 6 मिनट का वेट करिए, ठंडा हो जाए, उसके बाद आप इसे पैन से निकालिएगा। ये देखिए कितना अच्छा केक बन के रेडी हुआ है। आप इसे बिना गनाश के, अभी तो मैं आपको गनाश लगा के दिखाऊंगी इस पर, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हो। तो ये देखिए अभी हम इसे थोड़ा सा दूध पिलाएंगे, यानी कि इसमें दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप दूध लिया है, इसमें थोड़ी सी मैंने कॉफ़ी डाली है, 1 टीस्पून शुगर। कॉफ़ी की जगह आप कोई भी शुगर, कोई भी चॉकलेट सिरप ले सकते हो या ना भी डालो। और थोड़ी सी चीनी डाल के मैंने इसे मिक्स करी है। और अभी हम क्या करेंगे, केक को वापस से पैन पे लेकर आएंगे। केक को वापस से मैंने पैन पे रख दिया है और अब हम इसमें जो मिल्क हमने रेडी करा है, हल्का सा स्क्वायर से मैंने इसको ना इस तरह से छेद कर दिए थे, और अब हम इसमें ये दूध डालेंगे जो प्रिपेयर करा है। तो दूध जो है वो इजीली ये एब्जॉर्ब कर लेगा, केक तो मैंने पूरा ही दूध इसमें ऐड कर दिया था, तो धीरे 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 करके आपको डाल देना है। बस अब केक को हम अलग रख देंगे और अब हम अपने गनाश की तैयारी करेंगे। तो गनाश मैं बना रही हूँ कोकोआ पाउडर, कॉर्नस्टार्च और शुगर से सिंपल गनाश बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कोकोआ पाउडर लिया है और 1.5 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर जो भी होता है, 1/2 कप शुगर यानी कि लगभग 100 ग्राम के करीब शुगर डाली है मैंने इसमें, चीनी, और अच्छी तरह से हम ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को पहले मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप दूध। तो धीरे धीरे करके आपको दूध डालना है, लगभग 200 ml के करीब मैंने दूध इसमें इस्तेमाल करा है। तो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे थोड़ा थोड़ा डालकर। सबसे ज़्यादा इजी रेसिपी लगती है मुझे बच्चों की, जब भी क्रेविंग होती है केक की तो मैं यही केक बनाती हूँ, उन्हें पसंद भी यही वाला केक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे अपनी फीडबैक ज़रूर दें, और ये बहुत इजीली बन जाता है। और अगर आप गनाश ना चाहो तो ना भी बनाओ, आप केक को ऐसे भी एंजॉय कर सकते हो, वो ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए सारा दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स भी कर दिया है, और अब हम इसे लो फ्लेम पे, मीडियम लो फ्लेम पे रखेंगे। अगर आपका पैन अच्छे बेस का है तो आप इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएं, और जब तक ये थिक नहीं हो जाता, गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए ये इस टेंडेंसी पे हमें चाहिए, यही चाहिए। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून बटर, ताकि इस पर अच्छा सा ग्लेज आ जाए, और ये अच्छा सा बन के हमारा गनाश रेडी है। और अब हम इसे केक पर अप्लाई करेंगे। तो अगर आप चाहो केक ना बनाना, तो आप ये गनाश भी रेडी कर सकते हो, ब्रेड पे लगा के बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। तो ये देखिए हमारा केक है, ये बिल्कुल सेट है, अब हम इस पर गनाश लगाएंगे। तो गनाश को थोड़ा सा ठंडा कर लिया था मैंने, और अब मैं इसके ऊपर ये अप्लाई कर रही हूँ। तो जितना मैंने गनाश लिया बनाया है वो पूरा इस केक के ऊपर आ जाएगा, यानी कि पूरा मैं इस पर कवर कर दूँगी। तो अगर आप ज़्यादा गनाश बनाना चाहते हो लेटर यूज़ के लिए, आप ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए, डबल इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए, दूध डबल ले लीजिए। तो ये देखिए सिर्फ मैंने इसी केक के अकॉर्डिंग ये गनाश बनाए हैं, और ये देखिए इस पे पूरा मैंने अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से। हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। तो मैंने कुछ बादाम को अच्छा से बारीक काट लिया था और पिस्टैचियोस को, और आप किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हो या ना भी डेकोरेट करो। आप स्प्रिंकल्स वगैरह कुछ भी डाल सकते हो उसके ऊपर अपने केक को डेकोरेट करने के लिए, व्हिपिंग क्रीम से भी डेकोरेट कर सकते हो। तो मैंने सिंपल इसको नट्स से डेकोरेट करा है। तो चलिए अब हम इसको कट करते हैं। तो ये देखिए मैंने इजीली इसको कट कर लिया है, और जो हमारा पीस है वो भी अच्छी तरह से देखिए निकल आया है। तो केक इसका मतलब है हमारा बहुत अच्छा सेट हुआ है। अगर आप इसे ठंडा करके खाओगे तो ये और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा।
और ये देखिए आप इसका सॉफ्टनेस देखिए कितना सॉफ्ट हमारा केक बना है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना नहीं भूलिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी रेसिपी है, कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई आपको पतीले में नमक नहीं डालना है नीचे, कोई ऐसे बेक वेक नहीं करना है, सिंपल रेसिपी है, पैन के ऊपर बन जाएगी, पैन से हम सर्व कर लेंगे, पैन पे ही खा लेंगे, तो बहुत सिंपल है। इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और अभी मेरे साथ बने रहिए क्योंकि अहमद आपको अपना रिव्यू देने वाला है इस वीडियो के लिए, कि अहमद का सबसे ज़्यादा फेवरेट केक है ये। आपको केक कैसा लगा सर खा के? So yummy? Yes, mama. Okay. Go. Queen Sam's mama channel ko please subscribe kar dijiye. Please like, share and subscribe. Allah Hafiz.